नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नए जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी AIIMS में निकली हुई भर्ती के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आप आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग करना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी जो एज है 18 से 35 साल के बीच होनी जरूरी है और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिल सकती है। अप्लीकेशन फी है आपको भरनी पड़ेगी, अप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए आपको अप्लीकेशन फी भरनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू पैनल के द्वारा होने वाली है। GBT स्किल टेस्ट भी आपकी यहाँ पर होगी। पे स्केल आपको प्रतिमाह यहाँ पर मिल सकती है 9300 से 34800 पर मंथ। ग्रेड पे आपको मिल सकता है 4800 से 4600 पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए। अप्लाई करने के लिए आप aiimsbhopal.edu.in पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 5 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018। तो आप देख सकते हो 5 फरवरी 2018 से 6 मार्च 2018 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करें और आपका अप्लीकेशन निश्चित करें। जॉब लोकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश है, यानी यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश या भोपाल जिसे हम कहते हैं वहां पर कहीं भी हो सकती है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार मध्य प्रदेश भोपाल से है या मध्य प्रदेश में जॉब पाना चाहते हैं, इस जॉब को जरूर अप्लाई करिएगा और बीएससी नर्सिंग उम्मीदवार ने किया होना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे अधिक जानकारी हमें क्या प्राप्त हो रही है। तो जैसे हमने कहा, जैसे आप इस पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करोगे ये जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बड़े विस्तार में मिल जाएगी। पोस्ट का नाम क्या क्या है, ग्रुप कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टोटल पोस्ट कितने हैं, एज रिलैक्सेशन कितना है, एक्सपीरियंस चाहिए है तो है या नहीं है, चाहिए तो कितने साल का होना जरूरी है, ऐसी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए, और नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए भी उम्मीदवार को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो बीएससी नर्सिंग उम्मीदवार ने किया होना जरूरी है। मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डिप्लोमा इन नर्सिंग विडिफ्रीड फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन उम्मीदवार के पास होना जरूरी है। ये ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होने कर सकते हैं उम्मीदवार, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं ये आप ध्यान में रखिएगा और ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे ये जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगा, जैसे हमने कहा ये पीडीएफ जानकारी प्राप्त करने के लिए है। और यदि आपको अप्लाई करना है तो जैसे आप इस अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और इस इंस्ट्रक्शंस का आपको पालन करना है और आपका जो एप्लीकेशन है अप्लाई करना है। आपको स्टार्ट करके यहाँ पर एक बटन दिखेगा, स्टार्ट पर आप क्लिक कर आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, ये जो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म ओपन हो रहा है और इस ओपन होने के बाद आप जो आपका एप्लीकेशन है शुरू कर सकते हो। आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो जानकारी फिल करनी है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको रजिस्टर, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है और ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने बहुत बार आपको बताया है कि सब्सक्राइब करेगा क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो ही आपको जो हमारे नए वीडियोस होते हैं, अपलोड्स होते हैं, उसके नोटिफिकेशन आएंगे, वरना आप जो ढेर सारी जॉब्स की वैकेंसीज हम जो हर रोज अपलोड करते हैं उससे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।